इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। नागपंचमी का पर्व देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में विभिन्न तरह के आयोजन नागपंचमी के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। इंदौर में भी विभिन्न जगह पर नागपंचमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर नाग देवता का पूजन पाठ किया गया। नागपंचमी के अवसर पर इंदौर के विनोबा नगर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कमलेश दास जी महाराज ने बताया कि यह यात्रा संयोजक आकाश बोरासी के माध्यम से विगत 4 वर्षों से विनोबा नगर शिव मंदिर से निकाली जा रही है। इस यात्रा में काले गोरे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में साधु संत एवं क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान भोलेनाथ की झांकी रही। राधा कृष्ण और बजरंग बली साथ साथ चल रहे थे। अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाड़िया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक महेंद्र हाड़िया ने यात्रा संयोजक और उनकी पूरी टीम को सफल आयोजन की बधाई दी। यात्रा निकाली जा रही है, काले गोरे देवता की यात्रा है, नाग महाराज की यात्रा है और सब धर्म प्रेमी जनता इस यात्रा को देखती है। पूरे विश्व में नागपंचमी का त्यौहार बनाया था और इसे हम नया रूप दे रहे हैं नागपंचमी का। विनोबा नगर से महाराज कमलेश दास जी महाराज हर वर्ष नागपंचमी पे यात्रा निकालते हैं। इसमें घोड़ा, पग्गी, बैंड, ढोलक, ताशे, अखाड़ा ये सब निकलते हैं और रास्ते में सभी लोगों ने मंच जगह जगह मंच लगाकर इनका स्वागत किया है। और ये यात्रा सूरज नगर से यहाँ से सूरज नगर जाएगी और सभी लोगों ने उनका आभार व्यक्त करा है, सब महाराज जी का द्वारा भगवान शंकर की काले गोरे यात्रा प्रत्येक वर्ष बहुत उत्साह के साथ निकाली जाती है। हमारे कमलेश बोरासी जी के नेतृत्व में ये यात्रा प्रतिवर्ष सोमवार के दिन निकलती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, माता बहनें उपस्थित होती है, बच्चे उपस्थित होते हैं और पूरे बड़ी कॉलोनी क्षेत्र में होते हुए ये यात्रा का बहुत जोरदार स्वागत होता है। मैं इस यात्रा के स्वागत के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाई कमलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।